Good morning, dear students. Today we will discuss some important numericals related to Coulomb's law. So, हमने last time Coulomb's law को study किया है. तो आज हम सीखेंगे Coulomb's law से related question किस तरीके का होगा और उसको किस तरीके से हम solve करें. हम इसके बारे में आज discuss करने वाले हैं. तो दो तीन अलग अलग types के पांच छह questions होते हैं. मैं वन बाय वन सब पे बात करूंगा और उसको डिस्कस करूंगा और उसको सॉल्व भी करेंगे. तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द फोर्स बिटवीन फोर कूलम एंड थ्री कूलम if distance between them is 4 meters. Okay, simple question. So in that questions we have q1 is 4 coulomb, q2 is 3 coulomb and R is 4 meter officially in air. So we know that F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So in that case, now in the place of these, what can we write? 9 into 10 to the power 9, right? Okay. In the place of Q, 4. In the place of Q2, 3. In the place of R, square officially can we write this. So, 4 to 4 cancelled, right? Okay. So, we have 9 3 27 by 4 into 10 to the power 9. Okay. 4 7 कितना होगा बेटा ये? ये हमारे पास इतना न्यूटन का फोर्स है. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. ये हमारे पास फोर्स आ गया इन दो चार्जेस के बीच में. अगर उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो? 3 मीटर 4 मीटर. ओके, सेकेंड इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. वैसे परेशान रहते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है ये. तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां देखिए. सबसे पहले हम जानते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, आई रिपीट, देखिए यहां पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट 1 upon 4 pi epsilon naught equals to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square, right? Okay. So, we have to find the value of epsilon naught, right? Okay. So, epsilon naught equals to 1 upon 4 pi 9 into 10 to the power 9. अब यहां देखिएगा, इसकी यूनिट की हम बात करते हैं. तो इसके यूनिट में ये यहां गया है, तो इसके यूनिट इधर आएंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट? ओके, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 upon 4 इन द प्लेस ऑफ पाई कैन बी राइट 22 upon 7, ओके, इनटू 9 इनटू 10 टू द पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट? ओके, आफ्टर सॉल्विंग this value can be write 8.845 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton meter square. ये तो हो गई बेटा इसकी वैल्यू, किसकी? एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब आते हैं इसके डायमेंशन पे. तो इसकी डायमेंशन कैसी होगी, हम इसकी डायमेंशन को देखने वाले हैं. ओके, तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे?
we know that F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, right? Okay, kiski dimension chahiye hamein? S ki chahiye. So epsilon naught equals to 1 upon 4 pi q1 q2 upon F into r square. हमें मालूम है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, डायमेंशन लेस है. कैसी है बेटा ये, डायमेंशन लेस. अच्छा, ये वैल्यू अगर डायमेंशन लेस है तो जो जो वैल्यू डायमेंशन लायक है हम उस वैल्यू को लेंगे. ओके, सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू q1 इज चार्ज एंड q2 इज द चार्ज एंड चार्ज हैव डायमेंशन at, अगेन at एंड द प्लेस ऑफ फोर्स व्हाट कैन बी राइट, mLt minus 2 and in the place of r square can be write l square. So epsilon naught equals to, बोल सकते हैं l to the power minus 1 l into l square l cube minus t square plus 2 t power 4 and a square. It is a dimension of the epsilon naught, right? Have you clear? तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालने को और इसकी डायमेंशन हम निकालते हैं. अच्छा, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं. हर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनाई जा सकती है, थोड़ा आप इस पे भी गौर करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज q1. ओके, q1 चार्ज पे लगने वाले टोटल फोर्स को निकालनी है. इफ डायग्राम कुछ ऐसा है कि एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज यहां पे है. इफ q1 इक्वल्स टू 1 कूलम, q2 4 कूलम एंड q3 6 कूलम, 2 कूलम. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन है. सो यहां पे है हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम, और डायग्राम को हम समझेंगे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. दिस इज अ लोकेशन ऑफ q1, दिस इज अ लोकेशन ऑफ q2 एंड दिस इज अ लोकेशन ऑफ t3. ओके, इसके बीच में डिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से दे रखी है. अज्यूम किया हमने इसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर. ये क्वेश्चन का सिनेरियो हो गया कि तीन चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं, तो इस पे टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू द चार्ज q2 एंड q1. ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ पक्का? ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हम किस तरीके से करेंगे ये देखो. तो यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है. ओके, तो यहां समझेंगे, यहाँ पे तो एक चार्ज यहाँ पे है, देयर नेम इज q3, that name is q2 and this is a charge q1. Their distance is 1 meter. Okay, that distance is also 1 meter. Okay, तो सबसे पहले हम इसका फोर्स निकालेंगे इस पे. तो इसका फोर्स इस पे डायरेक्शन किधर लेंगे, बोथ आर लाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, तो ये फोर्स लगाएगा इधर. अच्छा, इधर फोर्स लगाएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, इसका नाम देते हैं F12. ओके, क्लियर, F12. ओके, अब F12 निकाल सकते हैं हम लोग. तो F12 इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. दिस इज अ बेसिक फार्मूला. ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट दैट वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹. ओके, क्लियर, गुड. इन द प्लेस ऑफ q1 एंड q2, दिस इज q2 इज, इन द प्लेस ऑफ q2 इज 4 कूलम, इन द प्लेस ऑफ q1 इज 1 कूलम. सो F12 कितना आ गया बेटा, F12, तो F12 हो गया 9 × 36 × 10⁻⁹ कूलम. अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं. तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गया, तो इसकी डायरेक्शन हो गया इधर. इसको नाम दे सकते हैं हम लोग टुवर्ड्स डायरेक्टेड, टुवर्ड्स 2 to 1st. इसकी डायरेक्शन कुछ इधर है. ओके, सेम टाइम पे ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर.
अच्छा इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया है, सो कैन बी राइट F13, कितना बोल सकते हैं F13, वी नो वेरी वेल कि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, क्लियर हुआ ये? ओके, सो F13 कैन बी राइट 9 × 10⁻⁹, ओके 9 × 10⁻⁹ इन द प्लेस ऑफ Q3 कैन बी राइट 2, ओके इन द प्लेस ऑफ Q1 इज 1 एंड डिस्टेंस इज 1 स्क्वायर, ओके इन द डिस्टेंस इज 1 स्क्वायर, सो व्हाट कैन बी राइट F13, सो F13 इज 2 × 18 × 10⁹ N, राइट इतना न्यूटन, ओके okay. अब आते हैं इस वाले के, क्योंकि बॉडी पे इस चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही है लेकिन वो जाएगा किसी एक ही डायरेक्शन में और इधर जाएगा जहां रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, एक फोर्स के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, तो अब हम क्या करेंगे इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट कर ले, देन वी विल डिस्कस। ओके सो यू कैन सी कि दिस इज द टू फोर्सेस व्हिच आर एक्ट ऑन दैट, ओके तो इसका रिजल्टेंट कहां पे होगा, याद रखेंगे ये फोर्स इधर लगा हुआ है, ओके देयर नेम इज F13 और एक फोर्स इधर काम कर रहा है जिसका नाम है F12, लेकिन चार्ज जाएगा किसी एक ही डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे होगा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये, ओके ये क्या कहलाएगा इसका F रिजल्टेंट, या हम इसको FR भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q1 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो FR वेक्टर इक्वल्स टू F12 प्लस F13, राइट ये हो गया हमारे पास इसका रिजल्टेंट फोर्सेस, राइट। अब हम क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। सो FR इक्वल्स टू FR स्क्वायर इक्वल्स टू F12 स्क्वायर, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा स्केलर, F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 dot F13, राइट ओके। वी नो वेरी वेल ए डॉट बी, व्हाट वी हैव AB cos θ, सो सिमिलरली दिस टर्म्स कैन बी राइट स्क्वायर रूट ऑफ F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F13 cos θ। अच्छा थीटा क्या है यहाँ पे, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन F12 एंड F13, ओके यहाँ देखेंगे F12 ये है और F13 ये है, तो इसके बीच का एंगल कितना है 90, इसका मतलब कि थीटा जो है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ओके सो cos 90 बिकम्स 0 और 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग बिकम्स 0, सो FR इक्वल्स टू F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 0, ओके If R equals to square root of F12 square plus F13 square, so if R equals to in the place of F12, now we have already find their value 36 × 10⁹ plus F13, what we have 18 × 10⁹ right? Okay. So now if R equals to we can take the common of 10⁹, so 10⁹ यहाँ common लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास 36 + 18, ओके 36 + 18, clear? Sorry, that was my mistake. ये क्या है बेटा, इन दोनों का square, इन दोनों का square हो गया कुछ इस तरीके से, ओके okay. अब इन दोनों का square हुआ तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ ऐसे, ओके यहाँ देखेंगे 18 18, तो 36 × 36 × 10⁹ ओके प्लस 18 × 18 × 10⁹ × 10⁹ राइट ओके।
Now, discuss these problems. Look here. Okay. So, can we write if R? Can we write this step? 18 into 18, 18 into 2, 18 into 2, 10 to the power 9 means 10 to the power 18 plus 18 into 18, 10 to the power 18. Okay. So, can we write if R equals to 18, 18, 18 square or saath mein ye ho gaya 10 to the power 18. So, can we write 18 square or 10 to the power 18. So, in the place of this, one little common and now we have 2 into 2 plus 1, right? This is a final form. Okay. So, if R equals to, इसको हम बाहर ले जाएंगे तो 18 से बच जाएगा 10 टू द पावर 18 कितना रह जाएगा 9 एल स्क्वायर रूट ऑफ कितना रह जाएगा 5. ओके सो दिस इज अ रिजल्टिंग फोर्स 18 रूट 5 इनटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन. तो बेटा ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा. अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन कितनी डायरेक्शन पे ये किधर जाएगा. फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल का मतलब होता है डायरेक्शन से. तो कितने एंगल पे गया इसका मतलब क्यों कितनी डायरेक्शन पे गया. सो हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन हो गई अल्फा. ओके सो डायरेक्शन निकालेंगे यहां से तो डायरेक्शन कितनी होगी डायरेक्शन हो गई tan अल्फा. सो tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू होता है p / b. एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है p होता है. सो हमारे सामने कितनी हो गई अगर ये a / 2 है तो ये भी कितना होगा a / 2. सो tan अल्फा इक्वल्स टू a / 2 / कितना हो जाएगा बेस हमारे पास a / 3. ओके a / 3. ओके सो tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा इक्वल्स टू वी नो वेरी वेल a / 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 36 into 10 to the power 9. ओके और a / 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है a / 3 की वैल्यू है 18 into 10 to the power 9. देखिए यहां से कैंसिल ये यहां से कैंसिल. सो tan अल्फा इक्वल्स टू 2. सो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2. अगर ये वैल्यू पॉसिबल है ये क्वेश्चन पॉसिबल है तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा. क्लियर हुआ ये राइट एनी डाउट. ओके जल्दी इसको नोट करें फिर नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन में. ओके कम अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चंस टाइप ऑफ नोमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. कि सपोज दो चार्जेस कुछ इस तरीके से है एक है 9e और एक है e. बात को समझना और इसके बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर. तो आपको बतानी है कि मैंने एक चार्ज अलग से दिया उस चार्ज को इसके बीच में कहां पे रखा जाए कि वो स्टेबल हो राइट. कहां पे रखा जाए कि वो स्टेबल हो यानी कि फाइंड द लोकेशन ऑफ गिवन चार्ज. गिवन चार्ज क्यू. गिवन चार्ज क्यू. क्यू को क्या है बेटा ये स्टेबल रहने की कोशिश करेगा उस केसेस में कहां रखा जाए और मतलब कि इसका लोकेशन निकाल रहा है. तो अब हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि अगर ये चार्ज स्टेबल है इसका मतलब कि इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है जीरो है. ओके तो हमने क्या किया इसको एज्यूम किया इसको हमने बोल दिया 9e और इसको हमने बोल दिया e. बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर राइट. कोई बात बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है. ओके अब मैं इसको कहीं पे रैंडम कहीं पे भी एज्यूम कर लूं. मैंने एज्यूम कर लिया इसको यहां पे q. ओके और इसका डिस्टेंस एज्यूम कर लिया इसको हमने बोल दिया x. तो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कितना अगर टोटल 12 है और ये x है तो ये कितना होगा 12 माइनस x ऑफिशियल. ओके अगर ये यहां पर स्टेबल है अगर ये यहां पर स्टेबल है तो इसका मतलब कि अगर ये चार्ज मान लो ये चार्ज का लोकेशन है a ये हो गया o और ये हो गया b तो इस पे लगने वाला फोर्स f o a किसके इक्वल होगा f o b के.
यानी कि इन द केस ऑफ ओनली स्टेबल स्टेबल या इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये केस आता है तभी वो वहां पे रुक पाएगा. ओके सो एफ ओ ए एफ ओ ए व्हाट वी हैव सो एफ ओ ए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन द प्लेस ऑफ q1 इज 9e इन द प्लेस ऑफ q2 इज q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज x स्क्वायर राइट. ओके 1 upon 4 pi epsilon naught in the place of q1 is e and in the place of q2 is q and in the place of r is 12 minus x whole square right. Okay so देख सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स यहां से कैंसिल होगा 9 से 9 तो कैंसिल नहीं होगा लेकिन e कैंसिल हो जाएगा q कैंसिल हो जाएगा. So now we have 1 by x square equals to 1 by 12 minus x whole square. राइट ओके हम यहां पर आते हैं यहां 9 भी बचा हुआ है. सो इस प्लेस इस टर्म्स को कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है. यहां पर 12 x का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है. ओके स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल. सो 3 x 1 12 x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको हम क्या देखते हैं यहां पे तो यहां देखते हैं x 3 12 x यानी कि x 12 3 जा 36 माइनस 3x इसको राइट में लाओगे तो x प्लस 3x कितना हो गया 36. सो x प्लस 3x कितना हो गया 4x इक्वल्स टू 36. सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 4 9 जा 36 यानी कि 9 मीटर यानी कि इस चार्ज को यहां से 9 मीटर के डिस्टेंस पे अगर रखते हो तो चार्ज क्या रहेगा स्टेबल. या फिर इस वाले लोकेशन से 12 माइनस 9 यानी कि 3 मीटर का डिस्टेंस होगा तो ये क्या रहेगा स्टेबल होगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट. क्लियर हुआ कोई डाउट. ओके अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नंबर 5. ओके क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. हां टाइप टाइप के क्वेश्चंस बताने की हम कोशिश करेंगे आपको. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि मान के चलो कि ये एक स्क्वायर है क्या है बेटा ये एक स्क्वायर राइट और हर कॉर्नर पे एक एक चार्जेस रखी हुई है. हर कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है एक एक चार्जेस रखा हुआ है. मैंने इस चार्ज को बोल दिया इस वाले चार्जेस को ले लिया q1 इस वाले चार्ज को बोल दिया q2 ये हो गया q3 और ये हो गया q4. ओके और बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर 1 मीटर का डिस्टेंस है 1 मीटर का डिस्टेंस है मींस के ये क्या है ऑल साइड्स आर इक्वल राइट. ये हो गया सभी चार्जेस कितना है 1 कूलम ये भी है 1 कूलम ये भी है 1 कूलम और ये भी है 1 कूलम. ओके राइट. ओके क्वेश्चन ये बनता है कि फाइंड द नेट फोर्सेस ऑन चार्ज चार्जेस q1 q2 q3 एंड q4 सभी चार्जेस पे हमें फोर्स निकालना है. तो एक चीज देख सकते हैं कि सभी चार्ज आइडेंटिकल है और सभी चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है. इसका मतलब क्या है सभी पे लगने वाला फोर्स क्या होगा सेम होगा. किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालते हैं और सिमिलरली बाकी चार्जेस का भी फोर्स उतना ही होगा. ओके देखिए यहां पे कुछ इस तरीके से समझेंगे इसको. ओके तो हमारे पास कुछ ये चार्जेस का सिचुएशन है. लेट अस अज्यूम दैट कि मैंने इसको क्या बोल दिया तो इसको मैंने बोल दिया q2 ऐसा करते हैं इसको हम q1 बोलते हैं इसको q2 बोलते हैं और ये हमारे पास q3 हो गया और ये हमारे पास आवर कन्वीनियंट इसको हमने q4 बोल दिया. सो ये हो गया q1 दिस इज अ q2 एंड q3 और ये कितना हो गया बेटा q4. ओके तो सबसे पहले हम चार्जेस इस कॉर्नर पे निकाल रहे हैं राइट. ओके सो यहां पर इसके चलते लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये होगा. ओके इस फोर्स का नाम क्या होगा F12 फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड राइट. ओके अब इस चार्जेस के थ्रू लगने वाला फोर्स इधर होगा इसका नाम हो गया F14 क्लियर कोई डाउट पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है वेरी गुड बहुत अच्छी बात है. ओके अब इन दोनों का रिजल्टेंट ओके
इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको यहाँ मिलेगा, राइट। ये आपका हो गया रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि इन दोनों का सिर्फ अभी ये चार्ज बाकी है, तो मैंने इसको बोल दिया एफ आर डैश। ओके, बात को समझेंगे अभी, यानी कि एफ वन टू एफ आर का रिजल्टेंट क्या हो गया, ये हो गया, क्लियर। ओके, अब ये चार्ज भी बाकी है, तो इस चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, और इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, क्योंकि ये भी प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है, तो ये भी इधर एक फोर्स अप्लाई करेगा और इस फोर्स को नाम देंगे एफ वन थ्री। ओके, क्लियर हुआ। ओके, अब समझते हैं कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन इज, देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो मिलेगा हमें एफ वन, टोटल फोर्स जो होगा हमारे पास वो कितना होगा एफ आर, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, और साथ में कितना हो गया एफ आर डैश, या एफ आर बोल दो इसको, एफ आर बोलते हैं, प्लस ऐसा रख लेते हैं इसको एफ आर डैश ही रहने देते हैं, और इसको हम एफ आर बोलते हैं, एंड दिस इज एफ आर डैश प्लस एफ वन थ्री, राइट, एंड ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। यहां तक समझ में आया। ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो एफ आर इक्वल्स टू एफ आर डैश स्क्वायर प्लस एफ वन थ्री स्क्वायर प्लस टू एफ आर डैश प्लस एफ वन थ्री इंटू कॉस थीटा। ओके, देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक लीनियर डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया जीरो डिग्री, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, तो एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई एफ आर डैश प्लस एफ वन थ्री प्लस टू एफ आर डैश एफ वन थ्री से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम किस तरीके से, पहले तो फाइंड आउट करेंगे एफ आर डैश, फिर फाइंड आउट करेंगे एफ वन थ्री, राइट। ओके, सो एफ आर डैश इज अ रिजल्टेंट ऑफ एफ वन थ्री एंड एफ वन फोर। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं एफ आर डैश, सो एफ आर डैश इक्वल्स टू एफ वन टू एंड एफ वन फोर, एफ वन फोर प्लस एफ वन टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन फोर एफ वन थ्री। अब देखिए इसके बीच का एंगल कितना है 90 है, यानी कि cos 90, एंड यू नो वेरी वेल cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, जिसके चलते ये पूरा स्टेप कितना हो गया जीरो हो गया, तो एफ आर डैश याद रखेंगे यहाँ पे एफ वन फोर स्क्वायर प्लस एफ वन टू स्क्वायर प्लस कितना हो गया जीरो हो गया, सो एफ आर डैश यहां से इसकी वैल्यू अब हम निकालने वाले हैं, राइट, इसको हटा दें, तो एफ वन फोर की वैल्यू कितनी होगी, अब इसको सॉल्व करते हैं, एफ वन टू की वैल्यू कितनी होगी उसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, सो एफ वन फोर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऑन एंड क्यू फोर, क्यू ऑन एंड क्यू फोर अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा बेटा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। मैं इसको क्या बोलता हूँ कि मैं इसको क्या एज्यूम कर लेता हूँ, के एज्यूम कर लेता हूँ, बाद में इसकी वैल्यू रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर सभी की वैल्यू कितनी है वन है, तो वन इंटू वन अपॉन वन स्क्वायर यानी कि के न्यूटन, राइट, ये फोर्स आ गई है हमारे पास। चलिए इतना नोट कीजिए, हमारे पास एफ वन फोर जो ये वाली वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास के न्यूटन, के की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁻⁹, क्योंकि हमने इसी को क्या बोला है के बोला है। ओके, अब हम निकालेंगे एफ वन टू, कितना निकालेंगे एफ वन टू, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, देयर वैल्यू इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, सो एफ वन टू k in the place of q1 is 1 into 1 upon 1 square यानी कि k into 1 यानी कि k newt। ओके, यानी इसकी वैल्यू भी यही आ गई, इट मींस के अब f r dash ये वैल्यू कितनी हो गई, सो इन द प्लेस ऑफ a upon 4 कैन बी राइट k into k यानी कि k square plus k square, सो f r dash equals to 2k square। ओके, सो f r dash k into root 2 newton, ये आ गया f r dash। ओके, हम बात करते हैं f 1 3 की, सो f 1 3 हमारे पास ये हुआ, f 1 3 की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 1 मीटर, ये भी है हमारे पास
1 मीटर। ओके, तो आप समझते हैं कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी। तो ये वाली वैल्यू होगी ये डिस्टेंस, याद रखेंगे इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो इस ये डिस्टेंस होगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो इफ 1 3 फोर्स ऑन थर्ड फर्स्ट ड्यू टू द चार्ज थर्ड 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Okay, so this is the value of k in the place of q1 q2 is 1 1, and distance between them is √2 square. Okay, so if 1 3 is k into 1 by square se root kya ho gaya tensor, so k by 2 newton. Ye hamare paas value aa gayi according to first equation. What we have the first equation? So first equation, there will we have to put that this one. Okay. So if R dash. Okay. If R total force on charge Q1. This is if R dash. Dear students, if R dash ki value kitni hai hamare paas? K√2 square. Okay. And if 1 3 की वैल्यू कितनी है, so if 1 3 की वैल्यू है k/√2 square. यहाँ तक क्लियर होगा पक्का? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? अच्छा समझ में आ रहा है, मजेदार टॉपिक, मजेदार क्वेश्चन, क्लियर? अरे सर कमाल हो गया, बिल्कुल लंबा क्वेश्चन लग रहा है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो इजी है। 2 if 1, सो दिस वन k√2 एंड k/2, क्लियर? ये हमारे पास वैल्यू हो गई। सो ए पार्ट एस इज देयर कैन बी राइट k√2 square by 4 प्लस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल k√2, क्लियर? ओके, सब में एक चीज कॉमन है, क्या है? k2। सो हमने k2 को कॉमन ले लिया, 2 plus 1 by 4 plus 2 2। ओके, अब हम k2 को बाहर लेंगे, बाहर कितना हो जाएगा k, अंदर कितना हो गया 2, ये वैल्यू कितनी हो गई 0.25, ये वैल्यू कितनी हो गई 1.41। ओके, सो अब आ गया हमारे पास f(r), इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। ओके, अब इस वैल्यू को देखते हैं, 2 एंड 1 कितना हो गया 3, पॉइंट ये कितना हो गया 4 एंड 2 6 एंड 1 2 एंड 6, यानी कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा चार्ज q1 पे, वो हमारे पास कितना हो गया, वो हमारे पास हो गया 9 × 3.66 × 10⁻⁹ न्यूटन। ये हमारे पास रिजल्ट। अब इतना ही फोर्स हर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि भाई चार्ज आइडेंटिकल है, डिस्टेंस सेम है, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां लिख सकते हैं सिमिलरली फोर्स ऑन फर्स्ट रिजल्टेंट, फोर्स ऑन सेकेंड रिजल्टेंट एंड फोर्स ऑन थर्ड रिजल्टेंट एंड फोर्स ऑन फोर्थ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू द 9√3.66 × 10⁻⁹ न्यूटन। हैव यू क्लियर दिस न्यूमेरिकल्स? ओके, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स चार्ज, टुवर्ड्स द फोर्स, टुवर्ड्स फोर्स एफ आर डैश, जिधर एफ आर डैश होगा उधर ही क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन।